देर रात बस स्टैंड के पास स्थित एटीएम में बैटरी और कैमरे चोरी, पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड के पास स्थित एटीएम में लूट और तोड़फोड़ की वारदात हुई है। पुलिस जब वहां पहुंची तो एटीएम के साथ किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, केवल एटीएम में लगे कैमरे और पास में पड़ी दो बैटरियों को लेकर चोर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश जारी है। बस स्टैंड पे रात को कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना आई थी कि एटीएम में कोई तोड़फोड़ हो गई है। तो सिविल लाइन्स पुलिस उस समय जो गश्त में थी, उन्होंने मौके पे जाके देखा है तो एटीएम से किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की गई है। उसमें जो लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा है वो ले गए हैं, तथा उसके पास जो दो बैटरीज होती हैं उसको संचालित करने के लिए वो दोनों बैटरीज लेके गए। दो बैटरीज बता रहे हैं, दो बैटरीज लेके गए। फुटेज अभी देख रहे हैं, बैंक से फुटेज लेके उसमें भी जो डिटेल्स आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करें। बैटरी चोरी करने का प्रयास किया एटीएम को भी? नहीं, एटीएम के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, सिर्फ जो बैटरी साइड में रखी हुई होती है वो बैटरीज और कैमरा जो अंदर लगा हुआ था सीसीटीवी वाला वो लेके गए। कितने